हेलो गाइस, नमस्कार। आज हम आ गए हैं माता सबरी गुफा। देखिए, ये है माता सबरी गुफा। प्रभु श्री राम जब वनवास में थे तब इधर ही आए थे माता सबरी को मिलने के लिए। माता सबरी ने बोर फल यही जगह खिलाए थे। आप कैसे आएंगे, पूरा वीडियो दिखाने वाले हैं, पूरा वीडियो देखिए। आप आना चाहते हैं माता सबरी गुफा तो आपको फर्स्ट जंक्शन आना पड़ेगा। इधर से टोटो मिलते हैं, टू व्हीलर, फोर व्हीलर सभी भाड़ा मिलते हैं। आप इधर से जा सकते हैं हम्पी। देखिए, ये है हम्पी रोड। इस जगह को हम्पी भी कहते हैं, एक कर्नाटक राज्य में पड़ते हैं। चलिए, हम आ गया हूँ माता सबरी गुफा। देखिए, बहुत ही सुंदर नज़ारा है इधर का, अति सुंदर कह सकते हैं। और ये जो जितने भी इलाका है ना इधर का, ये जगह आप देख रहे हैं, माता सबरी गुरु महामतंग ऋषि का ये इलाका था। महामतंग ऋषि ने माता सबरी को सब कुछ सिखाए कि प्रभु आपको कैसे मिलेंगे। इलाका बहुत ही सुंदर है, कुछ कुछ इधर नया बनाए हैं क्योंकि तेतर युग का ये जो नज़ारा इधर का है। कुछ लोगों से हम पूछे जो संत है तो बोल रहे हैं कि पहले अलग था, अभी चेंज हो गया, नया से कुछ बनाए हैं। तो माता सबरी कौन थे? प्रभु राम का एक सच्चे भक्त थे। अगर रामायण देखे हैं तो आपको पता चलेगा, नहीं तो रामायण पढ़िए तो अभी आपको पता चलेंगे। कहा जाता है माता सबरी का पूजा भी होते हैं। देखिए, वो ये मंदिर में होते हैं पूजा, इधर का लोग कहते हैं, लेकिन बाद में दर्शन करेंगे, पहले गुफा को दर्शन कर लेते हैं जहाँ माता सबरी रहते थे और प्रभु श्री राम आए थे। कहते हैं बहुत किस्मत वाले को मिलते हैं जगह। और देखिए, संत लोग बहुत बैठे हुए हैं, तपस्या करते रहते हैं, इनका भी आशीर्वाद चाहिए हर किसी को। देखिए, हम आ गए हैं गुफा का जगह में और माता सबरी का पांव का निशान है उधर, ये देखिए बनाए हैं इधर। इधर नमस्कार भी करेंगे, जय श्री राम, जय बजरंगबली। लोग आदमी कह रहा है कि ये जो बनाए हैं 2013 को बनाए हैं और ये है तेतर युग में जैसा था वैसा ही है। चलिए गुफा के अंदर जाते हैं। कह रहा है माता सबरी यही गुफा में पूरा जिंदगी, बच्चे से पूरा जिंदगी इधर ही निभा दिए प्रभु के दर्शन के लिए। रात दिन इधर से फूल तोड़ना, उधर से फूल तोड़ के सब बिछाती थी कि कब मेरा प्रभु आ जाएंगे, क्योंकि प्रभु कब आएंगे यही सोच सोच के जिंदगी पूरा कटा दिए हैं। हर दिन बोर्ड तोड़ के रखते थे कि प्रभु आएंगे तो उनको हम खिलाएंगे। देखिए, अभी अनुष्का को बैठने के लिए बोलते हैं। देखिए, वही जगह माता सबरी रहते थे, ये जगह अंदर देख रहे हैं। अब प्रभु श्री राम को भी यही जगह बैठाया था, बोर फल खिलाए थे। चलिए इधर से थोड़ा बाहर निकलेंगे। इधर फल का और फूल का बहुत ही जगह था, इधर बहुत एकदम गार्डन के जैसा था, बोल रहा है इधर का संत लोग। लेकिन अभी नहीं है, वो तेतर युग में थे और अभी कलयुग चल रहा है। जितना युग आगे जाते रहेंगे बहुत कुछ ख़त्म होते रहेंगे, क्योंकि पापी युग में तेतर युग का ऐसा नहीं रहेगा ना। जैसे सतयुग में जो थे वो तेतर युग में नहीं थे, और तेतर युग में नहीं थे जो थे वो द्वापर युग में। चलिए नमस्कार कर लेते हैं हम। हाँ, थोड़ा किस्मत वाला हूँ इसलिए मिल गया। अगर आप आना चाहते तो आ सकते हैं, वो मंदिर में जाएंगे। लेकिन कुछ भी बोलो, इधर का नज़ारा बहुत ही अच्छा है, लेकिन बहुत कुछ चेंज हो गए हैं। अभी का जो है ना कलयुग में सब नया नया बनाए हैं, लेकिन 2013 को बनाए हैं, उससे पहले ये भी नहीं था, सिर्फ वो गुफा उतना ही था और पत्थर चारों तरफ था। यही जगह से आप चारों तरफ जा सकते हैं कि प्रभु राम यही जगह से माता सीता को ढूंढने ढूंढते इधर आए थे, और माता सबरी ने उनको पता दिए कि आपको बजरंगबली कहाँ मिलेंगे, सुबरी कहाँ मिलेंगे, यही जगह पता दिए थे। और माता सबरी को प्रभु श्री राम ने नौबा भक्ति सुनाने के बाद उनको मुक्ति मिले थे। चलिए अंदर जाते हैं आपको। और वीडियो अच्छा लगे हैं तो मेरे चैनल को
लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपको कंटिन्यू आपको एक नए नए ब्लॉग आपको मिल रहे हैं। एक कर्नाटक राज्य में पढ़ते हैं। लोग कहते हैं कि माता सबरी का पूजा होते हैं, लेकिन माता सबरी नहीं, ये माता लक्ष्मी को पूजा होते हैं। आपको YouTube में बहुत वीडियो मिलेंगे, लेकिन लोग कहते हैं सबरी माता, लेकिन सच जानिए, सच जान के वीडियो देखिए, क्योंकि सब सच नहीं बताते हैं। सब्सक्राइब लाइक के लिए कुछ भी झूठ बोलते हैं। चलिए आप आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, आना कोई बड़ी बात नहीं है। सभी को बाय और चैनल को